हेलो एवरी वन हाउ यू आर डूइंग आई होप यू आर डूइंग एब्सोलूटली गुड टूडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद्टर दैट इज चैप्टर नंबर सेवनटीन फ्रॉम योर गो ग्रामर लिटर ऑफ देसी ब्रेन रूथ सीरीज एंड आज हमारे चैप्टर का नाम है वर्ब्स ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांटिव ठीक है अब हम वर्ब्स अभी तक ऐसे पढ़ते थे कि सिर्फ इतना की वर्ब्स जो हैं हमारे डूइंग एक्शन वाले वर्ब्स होते हैं बट अब एज वी आर गोइंग गोल्डर हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर एज आर यू नो ग्रोइंग ओल्डर इन द वे ऑफ यू नो स्टडीज इन द वे ऑफ ग्रेड्स सो इसलिए अब हमारे पास वर्ब्स के दो टाइप्स आ चुके हैं और ज़्यादा हमने डिटेल में पढ़ना है विच इज़ ट्रांजिटिव एंड इन ठीक है चलिए अब देखेंगे ट्रांजिटिव क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है कंप्लीट होने के लिए जैसे कैट ट्रैप द माउस अब आप देख सकते हैं द माउस इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है एक ऐसा सेंटेंस जिसको एक वर्ब के बाद क्या चाहिए होता है एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं अगर तुम वर्ब्स की बात करोगे तो वो ऐसा एक वर्ब जिसे पूरा होने के लिए सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए जैसे द जज हर्ड द वर्डिक्ट एक कोई वर्ब के बाद कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जरूर होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्ड के बाद भी वर्ड एक ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है राइट वर्ड सो सेंटेंस में आपको ऐसे दिखे कि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो कौन से होंगे आपके यस ट्रांजिटिव वर्ब नाउ वी हैव द टास्क ए फिल इन द ब्लैंक्स विद ट्रांजिटिव वर्ब वी डैश चपाती एंड कोरमा फॉर डिनर वी विल हैव चपाती एंड कोरमा दिस फॉर डिनर i dash the answer to the question i know the answer to the question you just have to fill in the verbs all right so the third one is they have doubts about it okay Pridhi is dash cartoons watching cartoons right four i've done for you the next four i want you to try yourself you just have to fill in the verbs it's easy okay let's move on further up um,

फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जो है बॉल फिर प्रेपोजिशन टू और फिर इनडायरेक्ट हिना डायरेक्ट क्या है कि बॉल दी किसको दी वो इनडायरेक्ट है स्टोरी टू मी तो माई ग्रैंड फादर हमारा क्या है सब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है स्टोरी है फिर, फिर प्रेपोजिशन है टू एंड फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है मी इस तरीके से फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड सिक्वेंस क्या है पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा पहले इनडायरेक्ट आएगा और फिर डायरेक्ट आएगा ठीक है जैसे वी डोंट हैव एन इन दिस वन बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा इसका एग्जैक्टली exactly उल्टा ठीक है चलिए अब हमारे पास क्या है अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट चलिए लेट्स डू इट द बेबी गेव हर मॉम अ किस ठीक है तो द बेबी गेव हर मॉम तो हर मॉम क्या है हर मॉम इज बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सो वी आर गोइंग टू सर्कल एंड डायरेक्ट इज अ किस आई वॉट अ पर्स फॉर हर आई वॉट अ पर्स तो हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हमें बताना है तो डायरेक्ट क्या है डायरेक्ट इज द पर्स फॉर इज इन डायरेक्ट मधु लोन्ड अराधी सम ऑफ टेन लैक्स ठीक है तो आप देख सकते हैं मधु हमारा सब्जेक्ट वर्ग ये है हमारा क्या डायरेक्ट वीव टू अंडरलाइन डायरेक्ट एंड इस्ट इस तरीके से आपको करना है सो लास्ट थ्री यू हैव टू डू योर सेल्फ इन योर होमवर्क हम देखेंगे इन ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं इन ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता कंप्लीट होने के लिए ठीक है जैसे द गर्ल्स लेफ्ट साउंडली तो अब देखिए इसके अंदर कोई हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़े स्लेफ्ट हमारा वर्ब है उसके बाद हमारा एक एडवर्ब साउंडली यूज हो गया और हमारा सेंटेंस सॉर्टेड है हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हुई द बेबी वॉज वीपिंग वीपिंग हमारा वर्ब है इसके बाद हमें कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, नहीं हुए तो ये इनट्रांजिटिव है ठीक है देखेंगे अब एक्सरसाइज इट डैश ग्रेट इट साउंड्स ग्रेट ठीक है तो साउंड एक वर्ब है साउंड्स इस तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं और ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है टुडे डैश मंडे टुडे इज मंडे दीज़ बुक्स आर इंटरेस्टिंग आई एम एग्जॉस्टेड हिनास फ्रेंड्स एक्टेड वियर्डली माई ब्रदर्स लैपटॉप डैश प्रॉपरली माई ब्रदर्स लैपटॉप इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली या फिर इज वर्किंग ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिके रिपीटिंग इट अगैन नेक्स्ट वी हैव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रडिकेशन ठीक है इसका मतलब क्या है कि वो इंट्रांटिव वर्ड्स जिनका जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वर्ड्स की मीनिंग की हेल्प लेते हैं एक अपना मीनिंग को कन्वे करने के लिए ठीक है फिर से बता रही हूँ वो ऐसे इंट्रांटिव वर्ब्स जो एक ऑब्जेक्ट नहीं लेते पर वो क्या करते हैं दूसरे वर्ड्स की हेल्प लेते हैं अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए जैसे द गर्ल लिटिल गर्ल सीम्स लॉस्ट द कॉम्प्लीमेंट लॉस्ट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट गर्ल ठीक है तो आप देख सकते हैं मैं अगर आपको बोलूं द गर्ल सीन्स तो अब ये इनकम्प्लीट हो जाएगा राइट right? बट मैंने क्या बोला द इनकम्प्लीट जो हमारा सेंटेंस है जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसे हम कंप्लीट कौन से वर्ड से कर रहे हैं लॉस्ट से तो द लिटिल गर्ल गर्ल्स लॉस्ट सो लॉस्ट हमें एक मीनिंग दे रहा है द हाई कोर्ट हेल्ड द कॉन्विक गिल्टी ओके सो गिल्टी हमारा इसमें ऐसा वर्ब है जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है ठीक है इन द फॉलोइंग verb of एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वर्ब ऑफ द ठीक है तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर लायन और रोर्स क्या है हमारा द वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन सेकेंड द रिपोर्ट प्रूवड फॉल्स तो अब अगर इतना लिखते तो ये गलत हो जाता ना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता बट आपने इसे कंप्लीट किस तरीके से करा आपने कंप्लीट फॉल्स यूज करके करा तो फॉल्स हमारा क्या है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और जो हमारा रिपोर्ट है दैट इज योर ऑब्जेक्ट सो आई होप दिस वन इज़ क्लियर मूविंग ऑन द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ठीक है तो इसका क्या होगा द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक के अंदर जो हमारा बॉय है वो ऑब्जेक्ट होगा या फिर बर्निंग डेक द बर्निंग डेक विल बी योर ऑब्जेक्ट ठीक है नाउ

ठीक है तो जो ऐसा वर्ड जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए जैसे द मदर इज हैप्पी तो जो मदर है वो सब्जेक्ट है और हैप्पी क्या है हमें मदर के बारे में पता चल रहा है तो हैप्पी हमारा एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है राइट विजय इज फादर वॉज इन द आर्मी हमें कुछ पता चल रहा है सब्जेक्ट के बारे में तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द ऑब्जेक्ट दे नेम द बेबी दे हमारा सब्जेक्ट है बेबी ऑब्जेक्ट है राइट सो दे सारा तो सारा इज योर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट द काउंसिल इलेक्टेड मेहर हेड बॉय सो द काउंसिल्बर हमारा सब्जेक्ट है जो कॉम्प्लीमेंट करे वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सो हेड बॉय हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है चलिए अब आगे देखेंगे सर्कल द वर्ब इन दीज सेंटेंसिसन पिक आउट द कॉम्प्लीमेंट्स एन आइडेंटिट कॉम्प्लीमेंट ट क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट है ठीक है नेक्स्ट इज द फार्मर लुक टायर्ड दर हमारा सब्जेक्ट है और टायर्ड हमारा क्या है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट थर्ड सेंटेंस people should be kind towards animals. so animals are like objective. this is objective complement. we should respect our elders. right? so elders is object. and respect is your objective complement. now the fifth and sixth one. kindly try it yourself as your homework. we have another exercise. exercise f. underline the verbs in each sentences and identify this, them as transitive or intransitive. सिक्योरिटी गार्ड ओपन द डोर ठीक है सो द सिक्योरिटी गार्ड ओपन द डोर के अंदर क्या होगा ओपनड इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा क्या है ओपनड सो सर्कल्ड इट देर इज अ वेरी लिटिल लाइट इन द लैम्प ओके सो आप देख सकते हैं ये भी हमारा ट्रांजिटिव है So is. My mother has prepared pasta today. So prepared है हमारा verb और transitive है ही क्योंकि इसके अंदर भी हमारा एक object आ रहा है We have not driven that far. ठीक है तो driven is our verb, right? Transitive verb. Now the last four you can you try yourself as your homework. So the last four I want you to try it. या आप खुद try करें Fifth, sixth, seventh, and eighth. Okay, so I hope it's clear. Yes, so that's it for this video. I hope you were able to understand this chapter. I will meet you in the next one now. Till then, goodbye and take care.